आज इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि जनरली एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2010 में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1986 में, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1972 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में टोटल हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं? तो इन 18 में से 11 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है IUCN द्वारा। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड में, ये स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग ब्लू प्लैनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है WWF द्वारा। इसकी फुल फॉर्म है, जो कि एग्ज़ाम में आ भी चुकी है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF के लोगों में कौन सा जानवर है? तो WWF का लोगो जो है उसमें है जायंट पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला मैंग्रोव जू कहाँ स्थित है? तो मैंग्रोव जू स्थित है ये वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स, इसे फूलों की घाटी भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो जो एशियाटिक लायंस हैं उसके लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? वो है गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाचीगांव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में चलाई गई? तो ये चलाई गई थी डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-44, पहले NH-7 था, अब NH-44 है। ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये है NH-71B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर वी कुरियन को। इनका पूरा नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिकल्चर का संबंध किससे है? तो एपिकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो वर्मी कल्चर का संबंध है केंचुए से, यानी कि अर्थवॉर्म से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर का संबंध है अंगूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था अंगस स्मिथ ने, एसिड रेन का सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था आर्थर टांसले ने। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।